अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूं आरिफ हाशमी। आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज। ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों। मुझे इस रैली से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और आज सबसे पहले शबे बरात है, जो हम लोगों की गलती है, हमें पता नहीं था। हमने तारीख लेकर ऑलरेडी परमिशन ले चुके हैं, अब इसकी वजह से मेरी पब्लिक आ नहीं पाई। मुश्किल नहीं, लेकिन उनके हज़ारों की तादाद में फ़ोन आ रहे हैं माफ़ी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुमरा का क्राउड, मुमरा की जनता मुझे बहुत चाह रही है, इससे मुझे लग रहा है। क्योंकि सुबह से हम लोग फील्ड वर्क है, सुबह से हम लोग को बहुत कुछ अच्छा रिस्पांस मिला है। कल्याण लोकसभा की जनता आपको ही क्योंकि इसके पहले उन्होंने जिनको भी चुना था उसको मद्देनजर रखते हुए अगर उनको लगता है कि सच में उन्होंने उनके लिए काम किया है तो मुझे ना चुने। अगर उनको लगता है कि ये बेटी भारत की बेटी कहलाती है, अगर मैंने कहीं ना कहीं मेरा योगदान दिया है हर जगह पे सोशल वर्कर बनकर, इनको लगता है मैं ज़मीनी स्तर पे काम करती हूँ, एसी में बैठ के ऑफिस में ठंडी हवाएं नहीं खाती हूँ, अपनी गाड़ियाँ नहीं दौड़ाती हूँ, लोगों को नहीं झंडे लेके पैसे दे के करवाती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि जनता को मुझे चुनना चाहिए। सेना की तरफ से श्रीकांत शिंदे जी मैदान में हैं और एनसीपी कांग्रेस से गठबंधन से बाबा की पार्टी और पार्टी धाकर लोग चुनाव मैदान में हैं और इसी में जो है आप भी चुनाव मैदान में ताल ठोक दिए हैं, तो इसमें आप पर ये आरोप लग रहा है कि आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, मुस्लिम वोट काटेंगे तो इससे एनसीपी या कांग्रेस की जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको कहीं कहीं नुकसान पहुँचेगा और शिवसेना को बढ़ावा मिलेगा, आपकी वजह से शिवसेना का उम्मीदवार जीत सकता है, तो आप इसे किस नज़र से? मैं तो ये कहती हूँ कि शिवसेना को भी मेरे से डरना है अभी, मैं तो ये कहती हूँ कि एनसीपी को भी डरना है और इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी डरना है, क्योंकि शिवसेना को इसके लिए डरना है श्रीकांत शिंदे जी जो हैं उन्होंने मेरे हिसाब से कोई काम नहीं किया है। और एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उसकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी, उल्लासनगर ले लो, अंबरनाथ ले लो, सिलपाटा ले लो, कल्याण ग्रामीण ले लो, डोंबिवली ले लो, गौसा ले लो, कहीं भी 5 साल में कुछ नहीं हुआ है। शिवसेना को माननीय उद्धव ठाकरे को तो इस बात पे चिंता करनी चाहिए कि एक सोशल वर्कर आवाज़ उठाए तो हजारों की पब्लिक आ जाए। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, माननीय उद्धव ठाकरे से कहना चाहती हूँ, आपका श्रीकांत शिंदे मुझे मेरे जैसी कम से कम 50 पब्लिक इधर ला के दिखा दे कि वो ये बोले कि हम आपके समर्थन में हैं, आपने 5 साल में हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ये मैंने इनके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने जहाँ जहाँ काम किया है मेरे नाम से ये आए हैं। दूसरा, एनसीपी और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो गठबंधन है उनको इसके लिए डरना चाहिए कि उनके एमएलए साहब है यहाँ पे अवार्ड साहब, तो मुझे ऐसा लगता है अगर काम किया है तो ना डरो। देखो, काम बोलता है, बात नहीं बोलती है। अगर काम किया इन्होंने, शिंदे साहब ने, अवार्ड साहब ने, जिन्होंने भी, उनको डरने की ज़रूरत नहीं, और काम नहीं किया है तो मुझसे डरो। ठीक है अश्विनी मैडम, आप जो है अगर जनता आपको कामयाब करती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? अगर मुझे जनता, इंडिपेंडेंटली हूँ मैं, मुझे अगर यहाँ पे स्वीकार करती है, मुझे जीत के लाती है, जिता के, तो मैं समझती हूँ कि जनता जो बोलेगी वो यास्मीन अरोरा मुंशी करेगी, जो जनता बोलेगी वो यास्मीन अरोरा मुंशी, यही सबसे बड़ा मेरा योगदान रहेगा। मेरे बोलने पे जनता नहीं चलेगी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जनता बोलेगी वो यास्मीन अरोरा करेगी। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में आप किस तरह का कानून बनाने के पक्ष में? महिलाओं को सिक्योरिटी की ज़रूरत है, महिलाओं को उद्योग की ज़रूरत है, महिलाओं को एजुकेशन की ज़रूरत है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं चाहे वो उनकी फैमिली से हो, चाहे इन लॉज से हो, ससुराल वालों से, चाहे उनके हस्बैंड से हो, या कि बाहर के किसी भी तरीके से हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोग को स्ट्रिक्ट कानून पे काम करने की ज़रूरत है। आप पिछले 15 दिनों से फील्ड में हैं, तो आपको क्या समस्या उभर के सामने आ रही है? भाई मेरे यहाँ पे मुझे तो शर्म आ रही है ये कहते हुए, कांग्रेस को कहना चाहती हूँ, 55 साल ले लिया है उन्होंने हमारी ज़िंदगी के, पानी अभी तक और इलेक्ट्रिसिटी में कटौती, और ये मुस्लिम कम्युनिटी एरिया है, यहाँ पे जुम्मा में खास करके पानी और बिजली ये दोनों नहीं होता है, तो भाई ये मेरा सबसे पहला सवाल है।
अगर मैं पिछले 8 दिन से पानी की तकलीफ है, हाँ, अगर सबसे पहले तो मैं कांग्रेस से कहना चाहूँगी कि ये तो बहुत शर्मनाक बात है कि 55 साल लेने के बाद भी ये कॉन्स्टिट्यूंसी को तुमने ब्लैकलिस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी रखी है। यहाँ पे लोन होने भी नहीं होता। रही बात भाजपा वालों की, जो शिवसेना अपने माननीय उद्धव ठाकरे ने जो उनके ऊपर भरोसा किया, आज उद्धव ठाकरे के ऊपर से लोगों का विश्वास हट गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भाजपा जैसी सरकार के ऊपर भरोसा किया, जो एक पैसा भी उन्होंने काम करके नहीं दिखाया। मेरी जनता से एक ही अपील है, मेरी भाइयों और मेरी बहनों, बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार इंडिपेंडेंट सरकार। क्योंकि अगर मुझे आना होता, मैं भाजपा में भी जाती थी, कांग्रेस में भी जाती थी, वंचित अघाड़ी पार्टी में भी जाती थी, किसी और पार्टी में भी जाती थी, यहाँ तक कि मैंने किसी पार्टी का सहयोग भी नहीं लिया। मुझे प्रस्तुति जो कहते हैं ना, जो दे रहे थे सपोर्ट, मैंने वो भी नहीं लिया क्योंकि मेरी तालमेल नहीं जमी। मैं जनता से अपील करती हूँ, अगर मुझ में सच्चाई है, मैं मैनिफेस्टो लेके नहीं आई हूँ, मैं आपके मैनिफेस्टो पे चलूँगी, मैं आपके मैनिफेस्टो पे चलूँगी, और आप जो कहेंगे वो आपकी यास्मीन अरोरा मुंशी बहन करेगी, और मैं ये लिखित में दूँगी, मैं उसे रजिस्टर्ड कराऊँगी, उसकी पूरी तरीके से जांच, और आप लोग मेरे पे कभी भी केस कर सकते हैं। लोगों का ऐसा आरोप रहता है कि जो है आप कठुआ जो उम्मीदवार बोलते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ चुनाव मैदान में जो वोट काटने के लिए उतरी है या उतरे, तो ऐसे में जो है आप जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आप वोट काटने के लिए चुनाव मैदान में उतरी हैं और 29 तारीख को चुनाव है, चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा वैसे वैसे ये लोग जो है पीछे हट जाएंगे, तो मतलब जो लोगों की जो शंका है या लोगों का आरोप है, तो लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? मतलब चुनाव नज़दीक आएगा तो हम लोग पीछे हट जाएंगे, जो इंडिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं वो लोग इसके लिए कह रहे हैं। मैं खुला कहती हूँ, 28 इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 28 लोग हैं इंडिपेंडेंट को मिलाकर, वंचित अघाड़ी के हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी के हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की पार्टी के हैं, और INNC के हैं, और एक शिवसेना के हैं, इसके अलावा बाकी सब इंडिपेंडेंट हैं। अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया भी है इसमें। मेरा कहने का मतलब है 7-8 पार्टी के चुनावी है यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट, बाकी जो फेक कह रहे हैं ना, उन्हीं का प्रोपोगंडा होगा जो फेक कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कुछ इंडिपेंडेंट इसके लिए खड़ा रखी है कि वो शिवसेना के वोट काटे। शिवसेना ने कुछ ऐसे करी होगी शायद, मुझ पर इल्ज़ाम लगाए तो मैं भी लगाऊंगी, तो शायद उन्होंने उनके वोट काटने के लिए खड़ा रखा है। यास्मीन अरोरा मुंशी ना पीछे हटेगी, भले मैं हारूंगी गिरूंगी या जीतूंगी, वो मेरी जनता के ऊपर छोड़ा है और मेरे ऊपर वाले के ऊपर, मैं पीछे नहीं हटूंगी किसी कीमत पे भी। 29 तारीख तक देख लेना। तो इसी तरह से हम समाज की अच्छी बुरी खबरों की सच्चाई आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए ग्रेट इंडियन TV न्यूज।